तो दोस्तों बहुत ही जल्द ऑनर 9X लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और साथ में आपको सेल्फी के लिए एक पॉपअप कैमरा भी मिलेगा और एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको इसमें मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 14,000 रुपये में। तो चलिए इस फोन के बारे में पूरे डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक कमाल की डील के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है HP का माइक्रो SD कार्ड जो कि अमेजोन पर मिल रहा है, जिसकी एक्चुअल कीमत है 1600 रुपये, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 299 में। ये एक बहुत ही कमाल की डील है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूं, एक बार जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फोन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके डिजाइन की बात की जाए, आपको इसके पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा और फ्रंट में आपको इसमें फुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। कोई नोच या ड्रॉप नोच देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलेगी 6.59 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 391 PPI। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा किरिन 810 का प्रोसेसर, साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए मिल जाएगा माली G72 MP6। और अगर रैम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत अच्छी 4 GB की रैम मिल जाएगी और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी 64 GB की, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 512 GB तक। अब मेन दोस्तों इसके कैमरा के बारे में बात की जाए, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा और इसके साथ जो सेकेंडरी कैमरा मिलेगा वो आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा और जो तीसरा कैमरा होगा वो होगा ऑटो फोकस के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा। अब अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए, जो कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है, वो आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका फिजिकल अपर्चर है f2.0। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और दोस्तों ये फोन आपको ड्यूल सिम में मिल जाएगा, आप दोनों नैनो सिम डाल सकते हो, लेकिन जो दूसरा सिम है वो हाइब्रिड सिम है, यानी कि आप दोनों सिम को यूज कर सकते हो या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजीशन है वो इसके साइड पर होने वाला है। और दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9 पाई। अब लास्ट में दोस्तों अगर इसके रिलीज डेट के बारे में मैं आपको बता दूं और प्राइसिंग के बारे में बता दूं, ये फोन लॉन्च होने जा रहा है 30 अक्टूबर को और इसका प्राइस रहेगा 14,190 रुपये में। तो दोस्तों आपको ये फोन इस कीमत में कैसा लगा? मेरे हिसाब से ये बहुत कमाल का फोन होने वाला है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आपका क्या सुझाव है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।